नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न था सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है कथन दो ये विभिन्न देशों के अलग अलग लक्ष्य हैं और कथन तीन सतत विकास लक्ष्य निधि दो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी डॉलर और मल्टी एजेंसी विकास तंत्र है इसका सही जवाब था ऑप्शन सी केवल तीन अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है कथन दो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यू के अनुसार आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे बड़े और गहरे ओजोन छिद्रों में से एक है इसका सही जवाब था ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न था विंग्ड माइक्रोचिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटी उड़ने योग संरचना है कथन दो इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं है और कथन तीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से आईआईटी आई खड़गपुर के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है इसका सही जवाब था ऑप्शन बी केवल एक और दो अगला प्रश्न था सूर्य किरण जो कि बटालियन स्तर का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच होता है इसका सही जवाब था ऑप्शन डी नेपाल अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी समुद्र तट की स्वच्छता को प्रदर्शित करता है कथन दो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तर्ज पर भारत ने अपना तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा बीई -E कार्यक्रम लॉन्च किया है इसका सही जवाब था ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न था सोलर डीसी कुकिंग तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसे सी एस आई आर एम एन आर ई द्वारा विकसित किया गया है कथन दो इसके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है इसका सही जवाब था ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न था जी ट्वेंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने वाला अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग पचास प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं कथन दो वर्तमान में सऊदी अरब इटली और भारत ट्रोइका देश हैं इसका सही जवाब था ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न था वायु गुणवत्ता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू के नए मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक डब्ल्यू का कहना है कि पंद्रह माइक्रोग्राम से अधिक की सांद्रता सुरक्षित नहीं है कथन दो डब्ल्यू के अनुसार दुनिया के नब्बे प्रतिशत से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जो दो के प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं इसका सही जवाब था ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न था भारत के किस राज्य के पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसका सही जवाब था ऑप्शन बी सिक्किम अंतिम प्रश्न था निम्नलिखित देशों के संदर्भ में विचार कीजिए पहला बोत्सवाना दूसरा तंजानिया तीसरा स्वातिनी और चौथा कांगो गणराज्य इसका सही जवाब था ऑप्शन सी केवल दो और तीन हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसका उपयोग मसालों रंगों दवाओं कॉस्मेटिक और धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता है कथन दो भारत इसका प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है और कथन तीन इसके विकास के लिए उच्च वर्षा और पंद्रह सौ मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है उपरोक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से संबंधित है ऑप्शन है ए केसर बी हल्दी सी तम्बाकू और डी अखरोट और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हल्दी हाल ही में ओडिशा के नवरंगपुर आकांक्षी जिलों में से एक में उच्च पैदावार वाली करक्यूमिनोइड समृद्ध किस्म जिसका नाम सी आई एम पिताबर है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की केशरी नाम की किस्म उगाने की शुरुआत की गई है हल्दी जिंजर फैमिली के कुर्कुमा लोंगा का एक फुल युक्त पौधा है इसका उपयोग मसालों रंगों दवाओं कॉस्मेटिक और धार्मिक क्रियाकलापों में किया जाता है भारत इसका प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है भारत में विश्व के लगभग अस्सी प्रतिशत हल्दी का उत्पादन होता है इसके विकास के लिए लगभग बीस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस तापमान उच्च वर्षा और पंद्रह मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है इसलिए विकल्प भी सही है अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक गतिशील मात्रात्मक एवं गुणात्मक बेंचमार्क मॉडल है जो देश में खाद्य सुरक्षा को मापने के लिए एक उद्देश्य पर ढांचा प्रदान करता है कथन दो खाद्य सुरक्षा से संबंधित पांच मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए इसे एफ एस एस ए आई द्वारा विकसित किया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है ऑप्शन है ए केवल एक, B, केवल बी दो सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न दो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों दो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया यह एक गतिशील मात्रात्मक एवं गुणात्मक बेंचमार्क मॉडल है जो देश में खाद्य सुरक्षा को मापने के लिए एक उद्देश्य ढांचा प्रदान करता है इसलिए कथन एक सही है पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2018-19 के लिए पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019, 2019 पर जारी किया गया था खाद्य सुरक्षा से संबंधित पांच मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफ द्वारा विकसित किया गया है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन एस के सदस्य देश है पहला भारत दूसरा कजाकिस्तान तीसरा चीन चौथा किर्गिस्तान और पांचवा ताजिकिस्तान निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए ऑप्शन हैं ए केवल एक दो और तीन बी केवल एक तीन चार और पांच सी केवल एक दो तीन और पांच और डी एक दो तीन चार और पांच और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक दो तीन चार और पांच हाल ही में भारतीय सैन्य दल ने ओरेनबर्ग रूस में आयोजित एस के अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 में भाग लिया एस में आठ सदस्य देश हैं भारत रूस चीन पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान अतः विकल्प डी सही है अगला प्रश्न है भारत नेट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथों पर विचार कीजिए कथन एक या ग्राम पंचायतों से परे बसे हुए गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा कथन दो इसके अंतर्गत छूट ग्राही अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा चयनित द्वारा भारत का निर्माण उन्नयन संचालन रख रखाव और उपयोग भी शामिल है इस फ्लैगशिप मिशन का क्रियान्वयन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा किया जाएगा उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है ऑप्शन है ए केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन और डी एक दो और तीन और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक दो और तीन मेघालय कैबिनेट ने मेघालय में भारत नेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौते से संबंधित संशोधन को अनुमति दे दी है भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से हुई 2015 में इसका नाम भारत नेट कर दिया गया यह ग्राम पंचायतों से परे बसे हुए गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा इसलिए कथन एक सही है इस फ्लैगशिप मिशन का क्रियान्वयन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल द्वारा किया जाएगा इसलिए कथन तीन सही है इसके अंतर्गत छूट ग्राही जो कि अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा चयनित द्वारा भारत नेट का निर्माण उन्नयन संचालन रख रखाव और उपयोग भी शामिल है इसलिए कथन सही सही है है इस इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी एक दो और तीन अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा वाइपर मिशन निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है ऑप्शन है ए नासा बी इसरो सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और डी सी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नासा नासा ने वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी VIPER के लिए एक लैंडिंग साइट का चुनाव किया है यह साइट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास नोबल क्रेटर के पास स्थित है इस क्रेटर का नाम इटली के ध्रुवीय खोजकर्ता अम्ब्रेतो नोबल के नाम पर रखा गया है जुलाई 2021 में नासा द्वारा घोषणा की गई कि वह 2023 में VIPER मिशन को लॉन्च करेगा इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नासा अगला प्रश्न है स्टेबल क्वाइंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है जो सरकार द्वारा समर्थित करेंसी से लिंक होती है कथन दो यह कम अवधि की प्रतिभूतियों जैसे नकदी सरकारी ऋण और वाणिज्यिक पत्र आदि परिसंपत्तियों को आरक्षित रखती है उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है ऑप्शन से ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों दो और डी न तो एक और न ही दो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों स्टेबल क्वाइन क्रिप्टो करेंसी का एक सही है परिसंपत्तियों को आरक्षित रखती है इसलिए कथन दो सही है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए बाधा रहित लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराने के कारण स्टेबल क्वाइन लोगों के लिए उपयोगी है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दोनों अगला प्रश्न है सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा कथन दो यह सहकारी समितियों हेतु व्यापार सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए कार्य करेगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों की पहले सम्मेलन को संबोधित किया यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा इसलिए कथन एक सही है यह सहकारिता समितियों को जन आंदोलन के माध्यम से जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा यह सहकारी समितियों हेतु व्यापार सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए कार्य करेगा इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दोनों अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं पहला कथन वायु की क्षैतिज गति में अल्प परिवर्तन दूसरा कथन पहले से मौजूद कम दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण तीसरा कथन सत्ताईस डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ वृहद समुद्री सतह और चौथा कथन कॉरियोलिस बल की अनुपस्थिति निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए ऑप्शन है ए केवल एक और चार बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन और डी एक दो और तीन और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो और तीन भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने नए चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है इस तूफान को गुलाब यानी साइक्लोन गुलाब नाम दिया गया है मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर दबाव का क्षेत्र बना है जो जल्द ही चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लेगा उस कटिबंधी चक्रवात बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ वृहत समुद्री सतह कोरियोलिस बल की उपस्थिति वायु की उर्ध्वाधर गति में अल्प परिवर्तन पहले से मौजूद कम दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण इसलिए विकल्प बी सही है अगला प्रश्न है नागा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक ये लोग भारतीय द्रविड परिवार से हैं कथन दो नागाओं में केवल एक जनजाति है उपरुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं ऑप्शन हैं ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और ना ही दो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों तमिलनाडु के 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 राज्यपाल रवि ने हाल ही में नागा शांति वार्ता मध्यस्थ संख्या लगभग दो दशमलव पांच मिलियन है नागा नागा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में रहते हैं इसके अलावा कुछ संख्या में इनकी आबादी असम और म्यांमार के पर्वतीय इलाकों में भी है नागा जनजाति में कई दूसरी जनजातियां भी हैं जो नागालैंड और उससे सटे राज्यों में रहती है इसलिए कथन दो गलत है नागा लोग इंडो मंगोलाइड परिवार का हिस्सा हैं इसलिए कथन एक, एक गलत है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश में हाउसिंग यूनिट्स यानी आवास इकाइयों के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका बी सेशन सी मालदीव और डी कोमोरॉस इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव मालदीव की एक कंपनी फाही दिरीहुलून कॉरपोरेशन ने भारत की नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एन और जे प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ एक ऋण समझौते पर दस्तखत किए हैं समझौते के तहत मालदीव के हुल हुल माले द्वीप चरण दो पर चार हजार हाउसिंग यूनिट्स विकसित की जाएंगी इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है अंतिम प्रश्न है अर्जुन एम के वन ए युद्धक टैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन इसका विकास और डिजाइन कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी सीबीआरडीई ने डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर किया है कथन दो यद्यपि मुख्य युद्धक टैंक का नया रूप काफी बेहतर है लेकिन इसमें एम के के मुकाबले स्वदेशी विशेषताएं कम है उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो

सरकार की माने तो एम बी टी अर्जुन एम के वन ए में बहत्तर नए फीचर्स तो हैं ही साथ में इसके एम के वन के मुकाबले ज्यादा स्वदेशी विशेषताएं हैं इसलिए कथन दो गलत है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणाली में अहम बदलावों के लिए कार्यों को रणनीतिक बनाने पर जोर देता है ताकि सतत विकास लक्ष्य 2030 को साकार किया जा सके कथन दो इसकी स्थापना ऐसी गतिविधियों को तेजी देने के लिए हुई थी कि सभी समुदायों का जोर खाद्य प्रणाली में सुधारों पर रहे और इसमें कई देशों कंपनियों सिविल सोसाइटी नागरिकों और खाद्य उत्पादकों की भूमिका भी हो उपायुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं शुक्रिया